एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अगर दुख है ना जीवन में शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के दो दाने डाल लीजिए, अक्षत के दो दाने डाल लीजिए, घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले उसके नीचे डाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह से उपाय आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल।